सर्दियों के दिन में इस गर्मा गर्म मसाला बाटी का स्वाद ही कुछ और आता है और बहुत टेस्टी बनती है। इसके साथ हमें किसी भी सब्जी या चटनी की जरूरत वैसे तो नहीं है, पर आप चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए कितना खस्ता जो है हमारी बाटी बनकर तैयार हुई है और अंदर तक फिलिंग कैसे भरी हुई है, और घर में ये हम इसे गैस के ऊपर कितने आराम से बना भी सकते हैं। आज मैं आपको दो तरह से बाटी बनाना बताऊंगी जो आप घर में बड़े आराम से बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतु में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए घर के तवे पर ही कितनी अच्छी बाटी सेक कर तैयार हो जाएगी, वो भी बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर की। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए, घर में मौजूद सामान से ही हम बना सकते हैं। 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें आधा चम्मच के लगभग हम अजवाइन जो है हथेली में क्रश करके डाल देंगे। आधा चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसको भी हाथों में अच्छे से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और 2 से 3 चम्मच के लगभग हम इसमें बेसन डाल देंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं और बेसन शरीर को गर्मी देता है। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया है। सोडा डालने से हमारी जो भी ये बाटी है ना, वो बहुत खस्ता बन के तैयार होगी। अब अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर गर्म घी डालेंगे। मैंने पहले 4 से 5 चम्मच घी डालकर चेक किया है, 4-5 घी चम्मच डाल के हम चेक करेंगे। अगर इसकी मुट्ठी सी बन रही है तो ठीक है। पहले मैंने 5-6 चम्मच घी डाला। इसके बाद हम इसे अच्छे से हाथों से क्रम्बल करते हुए सारे अपने आटे के अंदर इसको मिक्स कर देंगे। लेकिन यह घी मुझे कम लग रहा था क्योंकि चम्मच छोटा था। घी हमें बाटी में अच्छे से डालना होता है, तभी बाटी हमारी खस्ता बनकर तैयार होती है। ये देखिए अभी इसकी मुट्ठी थोड़ा कम बन रही है, तो मैंने इसके अंदर 3-4 चम्मच देसी घी और डाल दिया है। वैसे तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से बाटी बहुत अच्छी और खस्ता बन के तैयार होती है। इस समय ये जो है बाटी के लिए बिल्कुल सही है और इसकी मुट्ठी आराम से बन रही है। तो हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके इसको अच्छे से गूंद लेंगे। धीरे धीरे करके हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे। ना तो हमें इसे पूरी की तरह टाइट डो लगाना है और ना ही रोटी की तरह बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है। मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे क्योंकि हमें इसकी बॉल्स बनानी है, और अगर हम ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाएंगे तो बॉल्स बैठ जाएंगी, और अगर हार्ड डो लगाएंगे तो उनमें पहले ही क्रैक आने लग जाएंगे। इस तरह से अच्छे से गूंद लेंगे, और जब आटा अच्छे से गूंद जाएगा तो इसको 10-15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि जो सोडा हमने इसमें डाला है वो अच्छे से रिएक्ट कर जाए। इतनी देर कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सरसों के बीज डाल दिए हैं। इससे हमारा सब मसाला जो है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। 1 चम्मच बारीक चॉप की मैंने अदरक डाली है, और 1 से 1.5 चम्मच ही हम बारीक चॉप का वो लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी फिलिंग को बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगी। आज हम एक अलग तरह की फिलिंग बना के तैयार करेंगे, जिससे बाटी बहुत ज़्यादा अंदर से फिलिंग वाली होगी, और इसके साथ हमें कोई दाल या चटनी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शाम के नाश्ते में या रात के डिनर या दिन के समय किसी भी समय इसे खा सकते हैं गर्मा गर्म बाटी बनाकर। और सबसे खास बात, इन बाटी को आप बनाकर 1 दिन के लिए रख सकते हैं, और जब आपको आराम से इनको वो करना हो, रोस्ट करना हो, उस समय आप गरम गरम रोस्ट कर लीजिए। अब इसके अंदर 1/2 कप मैंने मटर डाल दिए हैं। ये फ्रेश मटर है तो इसलिए हमें इन मटर को पहले पकाना पड़ेगा। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है, इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे, क्योंकि मटर फ्रेश है ताकि इसे गल जाए। सर्दियाँ हैं तो ताज़ा मटर ही अच्छी आ रही है, गर्मियों में आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और मटर अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि बिल्कुल एकदम नरम और सॉफ्ट मटर है। इसके बाद मैंने 3-4 आलू जो हैं उनको अच्छे से बॉयल किए हुए रखे थे, उनको अच्छे से मैंने सिर्फ फोड़ लिया, यानी उनका पेस्ट नहीं बनाया है। पेस्ट बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता। अभी हम मसाले के साथ जब इसे हल्का सा मैश कर देंगे ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अभी इसे इस स्टेज पर ढककर हम 2-3 मिनट तक अभी और पकाएंगे। ये देखिए मैंने इसे ढक के रख दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद ही, क्योंकि आलू भी उबल गए हैं और मटर भी अच्छे से पक गई है, बस हमारी फिलिंग जो है बहुत अच्छी बन के तैयार है। इस स्टेज पर हम अच्छे चटपटे स्वाद के लिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर सौंफ का पाउडर डाला है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हमारी बाटी बहुत बढ़िया चटपटी मसालेदार अचारी बाटी बनकर तैयार होगी। अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे और इसको गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम
खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो हरा धनिया तो इस समय भी डाला जा सकता है, लेकिन बाद में डालने से इसका कलर जो है वो एज इट इज बना रहेगा। ये देखिए ठंडा होने के बाद मैंने इसे खूब सारा हरा धनिया डाल दिया और हरे धनिए को हम सारा अच्छे से बाटी के अंदर मिक्स कर देंगे। बस और इतनी देर हमारा जो आटा है उसने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक मुक्की लगा के और गूंद लें ताकि आटा अच्छे से चिकना हो जाए। ये देखिए 1-1.5 मिनट तक गूंदने से आटा कितना अच्छा हमारा चिकना बनके तैयार है। बस अब हम इसके अंदर से जैसे नॉर्मल रोटी की लोइयाँ लेते हैं एक एक करके, उसी तरह से हम इसकी लोई निकालेंगे, उसको गोल गोल करेंगे और हथेलियों के बीच में इस तरह अंगूठे और उंगली से दबाते हुए इसकी एक कटोरी जैसी शेप बना लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कटोरी की शेप आराम से बन के तैयार होगी। ना हमें गूंदना पड़ेगा और ना ही इसी में बेलना पड़ेगा। अब 1-1.5 चम्मच फिलिंग, जितना आप पसंद करें उतनी फिलिंग आराम से इसमें भरते जाइए। फिलिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा भरें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम बाटी को अच्छे से सील कर देंगे तो ये फटेगी नहीं और ना ही फिलिंग इसमें से बाहर निकलेगी, और बेक करते समय तो इसके निकलने का चांस ही नहीं है। और बाटी में जो क्रैक आए होते हैं उससे हमें पता लगता है कि हमारी बाटियाँ कितनी अच्छी बन के तैयार होंगी। अगर थोड़ा सा ऊपर इस तरह घुमाकर सील कर देंगे, थोड़ा आटा एक्स्ट्रा लगे तो उसे तोड़ देंगे, वरना इसकी गोल गोल बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम इस तरह से हमें गोल गोल बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। ना तो बहुत छोटी बॉल बनानी है और ना ही बहुत बड़ी। वैसे तो बड़ी बॉल बनाएंगे बस बाटी बड़ी बनेगी, सिक तो अच्छे से जाती है और थोड़ा सा उसे सीखने में टाइम लगेगा। इस तरह से दूसरी की बाटी की भी मैं एक तरीके से और बनाकर दिखाती हूँ आपको। इस तरह कटोरी बनाएंगे, उसके बाद इसके अंदर 1-1.5 चम्मच फिलिंग भरेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। इतने सामान के अंदर टोटल 12 बाटियाँ बनकर तैयार हुई हैं, जो कि 5 से 6 जनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इस तरह इसको एक बोट शेप में पहले चारों तरफ से सील कर लीजिए, उसके बाद इन्हें दोनों किनारों को आपस में मिला दीजिए और अच्छे से चिपका दीजिए। गेहूं का आटा है, कोई पानी वगैरह लगाए आने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से ये अच्छे से इस तरह हमारी बॉल्स बनके तैयार हो जाएंगी। इस तरह से बहुत अच्छी हमारी बाटी बनके तैयार हो गई है सारी। अब हम इन्हें एक प्लेट में रख देंगे। इसके अंदर आप उंगली से या अंगूठे से इस तरह से हल्के हल्के दबा दीजिए ताकि ये अंदर तक सिक जाए और इसके किनारों तक अच्छे से हीट जाएगी। ये देखिए मैंने सारी बाटी जो है अच्छे से किनारे से इस तरह से दबा दी है। इस प्लेट में 4-10 बाटी आ रही थी और थोड़ी सी बाटी मैं ओवन में आपको सेक कर दिखाऊंगी और थोड़ी सी हम रसोई की जो नॉर्मल कढ़ाई होती है उसमें ही सेक लेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई को 5-7 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। उसमें एक नीचे स्टील का स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर हम इस तरह से बस प्लेट में बाटियाँ रख देंगे और इन्हें हल्का हल्का देसी घी से ब्रश कर देंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। नीचे भी मैंने हल्का सा प्लेट के अंदर घी लगा दिया है। अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट तक 2-3 बार अलट पलट करके इस तरह से सेकते रहेंगे, क्योंकि ये कढ़ाई में सेक रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे अगर आप घर में ओवन पर सेकें, ये देखिए कितने अच्छे क्रैक्स जो है वो बाटी में आने लग गए हैं। इसका मतलब हमारी बहुत अच्छी बाटी बनकर तैयार हो गई है। अभी 10 मिनट का टाइम और लगेगा क्योंकि अभी हल्की सी गोल्डन हुई है। देखिए 10 मिनट के बाद कितनी अच्छी, टोटल मुझे 20 से 25 मिनट लगे इन बाटियों को सेकने में। और ये ऊपर से जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना वो इन बाटियों में नहीं आएगा, उसके लिए हमें इन्हें गैस पर करना पड़ेगा। और अगर आप ओवन में सेकना चाहें तो 180 डिग्री पर हमें 10 से 12 मिनट के लिए अलट पलट करके बाटी सेकनी होगी और अच्छे से सिक जाएगी। अब जो मैंने तवे पर बाटी सेकी थी उसको मैं इस तरह से गैस के ऊपर सिर्फ 1 मिनट के लिए रखकर और जाली पर रखकर अलट पलट कर देंगे। इससे इसके अंदर एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और बिल्कुल जैसे हमारे कंडों पे बाटियाँ बनती है ना, यानी जो तंदूर के अंदर बाटी बनती है वैसी बाटी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए जो किनारे से क्रैक्स आ रहे हैं इनसे क्लियर पता चल रहा है कि हमारी बाटियाँ कितनी अच्छी बनके तैयार हुई हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप सारी वीडियोस को जाकर देख सकें। आप सबके सपोर्ट की हम सबको बहुत ज़रूरत होती है। मैं बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ और उम्मीद है आप सब वीडियोज़ को पसंद करते होंगे।
अगर आप और कोई रेसिपी सोचते हैं कि मैं बनाकर दिखाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से मेरे पास एक मिट्टी की प्लेट मिली थी, ये दिवाली पर मुझे किसी से गिफ्ट मिली है, तो मैंने कहा चलो आज इसी का इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी की प्लेट के अंदर बाटी को सर्व करने का मज़ा ही और है। अब इस स्टेज पर आप घी को बहुत तेज़ गर्म करें और थोड़ा थोड़ा घी जो है हम बाटियों के अंदर डालते जाएंगे। बहुत ही अच्छी बाटियाँ एकदम नरम अंदर से और बाहर से एकदम क्रिस्पी खस्ता बाटी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को सर्दियों के दिन में या छुट्टी के दिन किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ अगर आप चाहें तो दाल वगैरह बना सकते हैं और अगर ना चाहें तो खाली चटनी से या बिना चटनी के भी इसको आराम से खाया जा सकता है। बाटी बहुत गर्म है और मुझे तोड़ने में दिक्कत भी हो रही है। ये देखिए कितनी खस्ता बाटी बनकर तैयार हुई है अंदर तक, और फिलिंग भी जो है कितनी गरम गरम फिलिंग, खाने में मज़ा ही आ जाएगा। कचौरी और पूरी से अच्छा है ये हल्की बनी हुई बाटी। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे नई।